इसका लंबाई 42 है। बने बनाए में 42 है तो 42 ही लेना है। कपड़ा को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। शोल्डर 15 है तो उसका आधा 7.5 इंच। फिर आर्म होल के लिए शोल्डर से आधा इंच कम तो यानी 7 इंच। चेस्ट फिटिंग है 42 साइज का है कुर्ती, तो फिटिंग 21 है, 21 यानी 10.5 से 2 सूट ज़्यादा। मार्जिन के लिए 1.5 इंच। ये हमारा कमर के लिए इधर से 7.5 इंच। अगर ऊपर से लेना है तो हम 15 ले सकते हैं, ऐसे 15 या 14.5। कमर का है 19 फिटिंग है यानी 9.5 इंच में निशान लगाएंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच। हिप हमारा 23 है, हिप इधर से 14 इंच। हिप है 23 इंच, 11.5। एक इंच सिलाई के लिए अब नीचे का घेर हिप के साथ ही 23 इंच लेना है और प्लस 1 सिलाई के लिए 12 इंच। इधर से सीधा निशान, थोड़ा गोलाई से
सारे के लिए एक इंच। तीरे के लिए आधा इंच कट करना है। ये हमारा 3 इंच का गला है। इसको सेप से कटिंग कर देते पहले पहले वाला काटना है। पीछे का पार्ट को निकाल देते हैं। आगे का इसको बाजू का कटिंग करेंगे। बाजू का लंबाई 14 है और फिटिंग 12.5 यानी 6.5 इंच फिटिंग। चेस्ट है 21, तो ये जो भाग है हम 21 साइज से ले लेंगे। साढ़े 10 इंच। लंबाई 14 है तो प्लस 1 इंच या 1.5 इंच ले लेंगे। 14 है तो 15.5।
पड़ी है ये जो 3 इंच का है। साढ़े छः फिटिंग है, 6.5 1.5 इंच मार्जिन। ये प्यारा है, 5.5 निशान लगा देते हैं। ये 1/2 इंच का सेट देना है इधर से। ये भी थोड़ा सा बाजू के फिटिंग के लिए थोड़ा सा गोला सेट। अभी कटिंग पहले ऊपर का कटिंग करेंगे, बाद में हम आगे साइड का कटिंग करेंगे। इधर एक निशान लगा देते हैं बीच बीच में। अभी हम आगे साइड का कटिंग करेंगे। अभी इसी का सेम हम पीछे का है, पीछे का पार्ट रख के इसको अच्छे से कटिंग कर देते
खाते में अस्तर नहीं चाहिए। अभी पीछे का नेक काटेंगे। पीछे का गला 6.5 इंच। सिलाई में जाएगा 7 इंच। 7 इंच में निशान लगा। गला हमारा 3 इंच का है। गोल वाला है। अभी इसको कटिंग करें। हमें यही गला बनाना है। और बीच से कट हुआ है। साढ़े तीन सिलाई के लिए 1/2 इंच, 4 इंच इधर से 4 इंच। आगे कट करना है थोड़ा सा 1/2 इंच। एकदम से किनारे तक इसको भी कटिंग करेंगे। अभी हमारा अस्तर और कपड़े कटिंग हो गया। अभी सिलाई करेंगे। पहले गले से ही करेंगे। तो चलिए सिलाई आरंभ करते हैं। ये मैंने काट दिया है। अभी इसको सिलाई करेंगे।
ये गले की डिजाइन के आगे का भाग है। इसको सिलाई कर दिया। ये फिनिशिंग के लिए थोड़ा कट कर देना। अब इसको पतले से पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। कट कर देते हैं। देखिए हो गया पाइपिंग। इसके अंदर कपड़ा लगाएंगे। ये अंदर कपड़ा लगा दिया। इसमें अभी ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हो गया सिलाई। अभी बक्रम से ये वाला सिलाई करेंगे। ये हम उल्टे की तरफ से करेंगे ताकि ये इस तरफ से सिलाई आएगा। तो अभी सिलाई करते हैं। अभी हम यही वाला सिलाई लगा देंगे आगे साइड में। हमारा नेक का डिजाइन बन गया। अभी पीछे का, ये पीछे का नेक है, गोल गला। इसका कटिंग कर दिया है। अभी इसी को सिलाई कर देंगे। ये हमारा पीछे का सिलाई हो गया।
अभी तीरे को जोड़ देंगे। इधर से जोड़ेंगे इधर तक, सेम इसको भी ऐसे ही ऐसे रखेंगे। और इधर से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए तीरे का सिलाई हो गया, इसको हम ऐसे निकालेंगे। इसी तरफ से भी ऐसे ही निकालेंगे। फिर इसको किनारा से सिलाई लगा देंगे पूरा। ये देखिए पीछे का गोलाई शेप में सिलाई लग गया बहुत सुंदर से। अभी हम आर्म होल को जोड़ेंगे। ये देखिए ये 42 साइज का है, तो मैंने निशान लगा दिया है। ये निशान के हिसाब से सिलाई लगा देंगे इधर से इधर हिप तक। इसी साइड में भी निशान के ऊपर सिलाई लगा देंगे हिप तक। ये दोनों साइड, ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगा दिया। अभी हम नीचे का पार्ट सिलाई करेंगे। पहले अस्तर को सिलाई करेंगे ऐसे। फिर उसी के साथ फिर ऐसे नीचे से सिलाई लगाएंगे ऐसे। ऐसे पूरा सिलाई करेंगे। इसी साइड भी सेम ऐसे ही अस्तर को सिलने के बाद ये सिलाई पूरे लगा देंगे ऐसे। थोड़ा अस्तर साइज से पकड़िए, पकड़ के ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। तो अभी सिलाई करते हैं। अभी दोनों साइड का सिलाई हो गया है। ये देखिए अच्छे से हो गया। सेम इसी तरफ भी दोनों साइड सिलाई हो गया। अभी हम नीचे का सिलाई करेंगे। ये भी ऐसे ही किनारे से सिलाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ऐसे, दो सिलाई आएगा। इसी में भी ऐसे ही सिलाई, फिर इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ से सिलाई। अभी सिलाई करते हैं। ये नीचे का सिलाई भी हो गया। ये धागे जितना है काट दीजिए। ताकि फिनिशिंग अच्छा दिखेगी। ये भी हो गया। आगे पीछे दोनों साइड हो गया।
अभी बाजू बचा है, आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए हो गया डिजाइन, और इसमें यही कलर का बटन लगेगा, तीन या चार बटन लगेगा। और अभी बाजू का सिलाई करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने काट दी है। पहले इसे पूरा किनारे से सिलाई करेंगे। फिर इसको ऐसे मोड़ के बारीक से पाइपिंग करेंगे। तो अभी सिलाई करते हैं। बाजू का पाइपिंग हो गया। दोनों साइड का अभी बाजू लगाएंगे। पहले साइड से रख लीजिए। फिर इधर से ऐसे निशान लगाएंगे। इन्हें सीधी तरह से लगाइए, फिर इसको पलटा देंगे। और ये है हमारा 6.5 इंच। साढ़े छः इंच में निशान लगा दिया। अभी सेम हम इस कपड़ा को उल्टा कर देते हैं, इसी को भी निशान लगा देते हैं। निशान लग गया, सेम इसी में भी निशान लगा दीजिए और सिलाई कर देंगे। तो चलिए सिलते हैं। दोनों तरफ से बाजू सिलाई हो गया। थोड़ा साइज कर लेते हैं। सीधी तरफ कर देते हैं।
इसमें थोड़ा मैप लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम से ठीक है, फिर भी अंदर से एक बार चेक कर लेंगे अगर थोड़ा ये बड़ा है तो इधर से थोड़ा सा सिलाई आ जाएगा, तो थोड़ा देख लेते हैं। कुर्ता उल्टी तरफ से, बाजू हमारा सीधी तरफ से रहेगा, फिर ये अंदर से जहाँ से सिलाई किया हुआ है और ये सिलाई किया हुआ है दोनों को बराबर रख के देख लेते हैं। इतना सा बड़ा आया, इसका आधा करके सिल देंगे, इसमें निशान लगा देते हैं। फिर बाजू निकाल के उल्टी तरफ से करके ये मैंने निशान लगा दिया, इसको ऐसे सिल देंगे। अभी बराबर आ जाएगा, अभी सिल देते हैं। ये हो गया सिलाई, अभी इसको सीधी तरफ से कर देते हैं। अंदर की तरफ से लेके अभी अभी इसको पूरे में सिलाई कर देंगे, ये और दूसरा बाजू दोनों को। बाजू लग गया दोनों साइड में, सूट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर बटन लगा देते हैं एक कलर का, 1 2 3 4 चार बटन लगा देते हैं। तो चलिए बटन लगाते हैं। अब देखिए बटन भी लग गया, बहुत सुंदर सूट बन गया, कुर्ती बन गया पूरा। देखिए इसके साथ मास्क भी बन गया।